डायरेक्ट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका कंटेंट वर्सेस बाकी यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स वाले के कंटेंट को आप कंपेयर करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? मैं क्या सोचता हूँ, ओके हाँ, तो ऑडियंस भी करती है कई बार ये चीज़ मतलब कमेंट करती है, कंपेयर करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आई थिंक अपनी अपनी जगह इस कैटेगरी में जितने भी क्रिएटर्स हैं सब सही है। इस कैटेगरी में कौन कौन है, बड़े बड़े नाम है, कोई दिक्कत नहीं किसी का नाम लेने में, बिल्कुल डायरेक्टली बोलता हूँ। मनोज दे टेक्निकल योगी है, माई स्मार्ट सपोर्ट पहले थोड़े ज़्यादा थे, मैं हूँ, एल्ग्रो है, डिकोडिंग वाईटी अभी एक चैनल आया है वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, और एक टेक्निकल इसरार नाम से एक है वो है, और भी कई सारे क्रिएटर्स हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई भी मुझे गलत नहीं लगा आने के बाद में। एल्ग्रो वॉइस ओवर फॉर्म में इस कैटेगरी में सबसे नया था, मतलब वॉइस ओवर फॉर्म में आई थिंक इस कैटेगरी में बहुत कम अच्छे थे, तो वो एक अलग ब्रांड बना, वॉइस ओवर फॉर्म में लाया कॉन्टेंट, बहुत डीप एनालिसिस था, मैं लाया, मैं लोगों को बहुत पसंद आया। टेक्निकल व्यू की बात करें तो टेक्निकल चीज़ें जो होती है यूट्यूब में, मैं बात करूँ अपने टाइम की, मैंने बहुत सर्च किए, मुझे बहुत हेल्पफुल लगे थे उनके वीडियो टेक्निकल यू के, स्पेशली उनको मैं इस वीडियो में थैंक्स भी कहना चाहता हूँ। कई सारी चीज़ें होती है टेक्निकली कि यूट्यूब एडसेंस की होती है, सेटिंग्स होती है, और पिन नहीं आया ये वगैरह, अगर वेरीफिकेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, इसी बहुत डाउट्स होते हैं, तो टेक्निकल चीज़ें टेक्निकल योगी ने सही करी है। मनोज दे की बात करें तो वहाँ से उस बंदे से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है, बीच में एक टाइम पर बिल्कुल ढीला पड़ गया था, मतलब ऐसा था कि हाँ ठीक है अब यूट्यूब 2-3 महीने हो गए लेकिन ग्रो नहीं हुआ, तो बना रहे हैं कभी कभी वीडियो बना रहे हैं, वो मोटिवेशन, वो जो आग लगी अंदर वो गायब सी हो गई थी। लेकिन एक बार उसका एक वीडियो मिला मुझे, देखा मैंने, उसी दिन उसके मैंने 8 से 10 वीडियो देख डाले, और हर दिन उसके वीडियो देखता मैं, हर दिन मुझे मोटिवेशन मिलता मुझे। एक दिन वीडियो नहीं आया तो मैं एकदम घबराहट में आ जाता कि वीडियो क्यों नहीं आया, ऐसा भी था। तो मनोज दे मेरे लिए बहुत मोटिवेशन था उस टाइम पर, वो भी उस कुछ कुछ वीडियो उसने बनाए जो कि बहुत हेल्पफुल है, कुछ कुछ लोग लगता है कि गलत है, वो सब बोलते रहते हैं। मनोज दे बहुत सही क्रिएटर है मेरे लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। टेक्निकल योगी ने बहुत हेल्प की टेक्निकल वीडियोस के थ्रू, टेक्निकल इसरार के भी कुछ वीडियो बहुत हेल्पफुल है, कुछ कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में बंदा निकाल देता है कि कोई नहीं निकाल सकता, बहुत ऐसी चीज़ें होती हो जाती, बीच में कुछ भी उटपटांग होता रहता है किसी के साथ में, तो वो कोई कहीं पर कोई वीडियो नहीं मिलती लेकिन उसके चैनल पर मिल जाती है, फिर वो पर्सनली बता देते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, एल्गोर अपनी जगह बिल्कुल सही है, हर एक बंदा अपनी जगह बिल्कुल सही है, हर एक कहीं ना कहीं से वैल्यूएट कर रहा है किसी न किसी की लाइफ में, तो सब परफेक्ट है। कहीं ना कहीं हेट करने के लिए देखो हर किसी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो थोड़ी बहुत सब हेट सबको मिलती है, कुछ को थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, और जिसको ज़्यादा हेट मिलती है उसको ज़्यादा फेम भी मिलता है। अब देखो ना, जिसको सबसे ज़्यादा हेट मिल रही है सबको पता है, उसी को सबसे ज़्यादा फेम मिला हुआ है, तो अगर ज़्यादा फेम मिलेगा तो हेट भी ज़्यादा मिलेगी, और कम फेम मिलेगा तो हेट भी कम रहेगी, और अगर फेम मिलेगा ही नहीं तो हेट भी नहीं मिलेगी। 100% 100% ये तो चीज़ है।